देखो विद्यार्थी मित्रों, ये प्रैक्टिकल नंबर 13 जिसमें एसिटोकार्बिन की मदद से वनस्पति कोष के केंद्रक को स्पष्ट रूप से देखना। एसिटोकार्बिन से केंद्रक स्पष्ट रूप से रंग जाता है और उसको हम स्टडी करेंगे। हम थोड़ा पानी लेते हैं। पानी लेकर के ये प्याज है इसको काटते हैं। प्याज काट करके इसके अंदर के भाग में जो परतें हैं इसके बीच में एक परत बहुत ही पतली दिखाई देती है, इसको चिमटी की मदद से हम अलग करेंगे और अलग करके उसको पानी में डाल देते हैं। इस पानी के अंदर हम थोड़ा एसिटोकार्बिन डालेंगे। देखिए ये एसिटोकार्बिन है, एसिटोकार्बिन सॉल्यूशन। दो बूंद एसिटोकार्बिन डालते हैं। एसिटोकार्बिन डालने के बाद इसे ब्रश की सहायता से हम स्लाइड पर ले लेंगे। ये देखिए स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर हम इसको अभिरंजित हो चुका है, इसको ले लेते और थोड़ा फैला देते हैं। एयर बबल्स ना रहे इस बात का ध्यान रखना है। उसका छोटा सा टुकड़ा हम काट लेंगे। पूरा नहीं रखना है हमें, पूरा रखेंगे तो कवर स्लिप तक नहीं आ पाएगा, इसलिए थोड़ा भाग निकाल देते हैं इसका और इसके ऊपर एक बूंद ग्लिसरीन डाल करके, एक बूंद ग्लिसरीन की डाल देते हैं ब्रश की सहायता से ही चलाइए और कवर स्लिप रख देते हैं। ग्लिसरीन से थोड़ा सा चमकीला भाग दिखाई देगा, एयर बबल्स नहीं बनते हैं। अब ये स्लाइड तैयार हो चुकी है। इस स्लाइड में हमने प्याज के एक टुकड़े के अंदर से जो पतली झिल्ली होती है उसको लिया है और उसे अभिरंजित किया है। अब इसकी स्टडी हम माइक्रोस्कोप में करेंगे। माइक्रोस्कोप में ये बहुत ही अच्छी तरह से स्लाइड में केंद्र दिखाई देगा, कोशिकाएं भी बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, ये यहाँ पर एसिटोकार्बिन में रंगी हुई कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये प्याज की कोशिकाएं हैं। ये प्याज की कोशिकाओं को मैंने सूक्ष्मदर्शक यंत्र में लगाया हुआ है। सूक्ष्मदर्शक यंत्र में ये केंद्रक बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर और इसको क्लीन करने की कोशिश करें तो माइक्रोस्कोप से ये अप डाउन करके इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं और इसको विस्तार में देख सकते हैं। अगर इसको हम हाई पावर में लगाना चाहें तो हाई पावर में लगा करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये हाई पावर में दिखाई दे रहा है और मैग्नीफाई करके देखते हैं। ये देखिए बहुत सारे केंद्रक, यहाँ प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक है और वो ज़रूरी नहीं है कि केंद्रक बिल्कुल सेंटर में हो, ये केंद्रक साइड में किसी भी जगह पर हो सकते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट करिए। आप लोग अपने आप